हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी से मैंने कहा था कि मैं आप सभी को बहुत जल्द ही बनबड़ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग पर एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैंने पीडीएफ तैयार कर लिया है और आज उसी का मैं आप सभी को रिविज़न कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को विजिट करते रहें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट बनबड़ सब्स्टिट्यूशन या अदर विषय पर रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो भी इस चैनल पर मिलेगा वो सब ऑफिशियल और रियल होगा। इस चैनल पर आपको कोई भी बेकार की चीज़ अपलोड नहीं मिलेगी। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने मैंने पीडीएफ बना खोल ली है और अब मैं इस पीडीएफ से आप सभी को वन बाय वन रिविज़न कराऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर पाएँ। तो जितने भी बनबड़ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग या मर्डर ऑल बनबड़ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। और आई होप कि जितने इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं इन्हीं से एग्ज़ाम में आते हैं। जो एयरफोर्स वाले होंगे उनको मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है, या जो अदर होंगे उसके लिए भी मैं बता दूंगा कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने सभी को इंक्लूड कर लिया है। तो पहला हमारा बनबड़ सब्स्टिट्यूशन है कि द किलिंग ऑफ डॉग, यानी कि कुत्तों की हत्या। कुत्तों की हत्या को हम लोग बोलते हैं कैनिसाइड। अब मैं इसको रिलेट कराया दे रहा हूँ कि कुत्तों की हत्या, तो कुत्तों की हत्या यानी कुत्तों आता है तो सिंपल सी बात कैनिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या को हम लोग बोलते हैं फैत्रीसाइड। भाई की हत्या जो होती है वो फैत्रीसाइड होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, अगर बच्चे की हत्या हो जाए तो उसको बोलते हैं फिलीसाइड। अब बच्चा आया तो आपने पढ़ा होगा, एक फिली वर्ड पढ़ा होगा आपने। फिली बर्ड का मतलब होता है बछिया, और कोल्ट का मतलब होता है बछड़ा, या कह दीजिए घोड़े। घोड़े जो होता है उसका बच्चा होता है, तो फिली मतलब बछिया यानी कि गाय का बच्चा, तो समझ जाइए फिलीसाइड बच्चे की हत्या। फिर आता है द किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल, तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं किसी जाति का सामूहिक संस्कार। इसको अगर रिलेट कराऊँ तो आप रिलेट कर लीजिए, जैसे कि जेनोसाइड लिखा है तो आप इसको जनरल से रिलेट कर लीजिए, जैसे कि जनरल पीपल्स होते हैं उनकी जो हत्या हो जाए तो आप जनरल से इसको रिलेट कर सकते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट देखते हैं द किलिंग ऑफ जर्म्स, तो जर्म आपने पढ़ा होगा, देखा होगा जर्म्स की जो हत्या होती है, तो यहाँ पर जर्म्स आ गया तो जर्म्स से क्या बन जाएगा, जर्मीसाइड बन जाएगा। जैसे आता है सुसाइड, स्वयं की हत्या होती है तो वहाँ पर स्वयं की हत्या, तो सुसाइड बन जाता है। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन की हत्या हो रही है तो ह्यूमन यानी कि हु आ रहा है, तो सिंपल से बात होमोसाइड हो जाएगा। द किलिंग ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांपों की हत्या, तो सांपों की हत्या हो जाएगी। तो इसको अगर रिलेट करें तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं ग्रास हॉपर से। ग्रास हॉपर जो घास खाता है, यानी कि मेढक, मेढक जो होता है ग्रास हॉपर होता है, वो घास खाता है और मेढक को सांप खाता है, तो इससे रिलेट कर लीजिए ग्रास हॉपर से, तो हॉपर आ रहा है कि तो आ जाएगा हर्पेटिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं तो द किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या को हम लोग बोलते हैं मतरीसाइड, क्योंकि माता है, मदर की हत्या तो मतरीसाइड हो जाएगा, और पिता की हत्या तो फदरीसाइड हो जाता है, ठीक है। द किलिंग ऑफ द वंस इन्फेंट, तो इन्फांत की हत्या यानी कि नवजात शिशु की हत्या को बोलते हैं इन्फांतीसाइड। तो जैसा जिसकी हत्या होती है उसी से रिलेट बन जाता है, उसके लास्ट में साइड जोड़ दिया जाता है। अगला देखते हैं द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, माता पिता की अगर अलग एक ही में मिलाकर बात करते हैं कि माता पिता की हत्या पेरेंट्स के अंदर, तो पेरीसाइड। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे, तो पेरेंट्स की हत्या पेरीसाइड। नेक्स्ट देखते हैं द किलिंग ऑफ वंस फादर, फादर की हत्या तो पैतृसाइड, मैंने आपको पहले बताया था पैतृसाइड पितृहत्या। द किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या सभी जानते हैं रीजिसाइड होती है। द किलिंग ऑफ वंस सेल्फ, स्वयं की हत्या बता चुका हूँ सुसाइड होती है। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अगर सिस्टर की हत्या हो जाए तो उसको बोलते हैं सोरोरीसाइड बोलते हैं, यानी कि अगर सिस्टर से बन गया सोरोरी, यानी कि जिसकी हत्या होती है उसी से रिलेटेड वर्ड बन जाता है, तो सोरोरीसाइड आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अगर वाइफ की हत्या हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सरीसाइड। तो इतने सारे मैंने करवा दिए, जैसे वाइफ की हत्या, वाइफ की जो हत्या होती है उसको एक्सरीसाइड बोलते हैं। तो अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट, तो जो लास्ट वाला है इसको आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो लिखा है बहन की हत्या है, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं क्योंकि सिस्टर से, तो सोरोरीसाइड हो जाएगा। और हमारे एयरफोर्स में पूछा जा चुका है वंसेल्फ की हत्या जो होती है उसको सुसाइड बोलते हैं। रिजिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पितृसाइड इंपॉर्टेंट है, और पेरीसाइड भी आई होप शायद कमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, उसको पेरीसाइड बोलते हैं। तो जितने भी सारे लिखाए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी यहाँ पर मैंने डलवाए हैं सभी को आराम से आप याद कर सकते हैं, मैं क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिलेट करा दिया है। और हो सकेगा क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी थी,
क्योंकि कुछ अभी जो बचे हैं जो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर डाल रखे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इनका कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरी PDF बनाकर मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लेना। जो भी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने यहाँ पर थोड़ा डिनोट कर लिया है, क्योंकि जो एयरफोर्स लायक थे और बाकी जो वहाँ पर लिखे हैं वो SSC के लिए थे, तो यही जो इतने यहाँ पर हैं यही हमारे एयरफोर्स एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आप लोग उनको पढ़ लीजिए, जब PDF कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वो PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलता हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।